ठहरो। हाँ बाद में बात करेंगे। हाँ भैया, हाँ। ये रहा आपका एक नंबर का दुश्मन प्रभुदयाल। हाँ मगर पहले उसको हमारा चेहरा तो दिखाओ, इसकी आंखों की पट्टी तो हटाओ। नमस्कार भैया प्रभुदयाल। नमस्कार। जनता के सच्चे सेवक और दरिद्र नारायण पार्टी के चेयरमैन ठनठन तिवारी, तो ये है तुम्हारा असली रूप। मगर जनता की नजर में हम उनके नेता भी तो हैं। बहुत बड़े। हाँ। झूठ। खद्दर के कपड़े पहन लेने से किसी गद्दार के सीने पर वतन परस्ती का ठप्पा नहीं लग जाता ठनठन। अब मैं तुझे सारी जनता के सामने नंगा कर दूंगा। अच्छा, अरे नहीं भैया प्रभुदयाल, तुमको ये कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। कहा है कि इस पापी संसार में तुम जैसे साधु संत के लिए कोनो जगह नहीं है, इसीलिए आज हम फैसला किए हैं कि आपको परमपिता परमेश्वर के पास भिजवाई देते हैं। नहीं। हाँ तो जरा इनकी जिंदगी के लिफाफे पर ऊपर जाने का टिकट तो लगाई देना। जैसी आ गया भैया। नहीं ठंडन नहीं। अरे रे, अरे प्रभु, इस प्रभु दयाल को जरा अपने चरणों में जगह दे दो अगर हो तो। इसकी लाश को ठिकाने लगा तो अभी से बदबू आ रही है। हेलो, हम ठनठन तिवारी बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो भाई? जरा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। अरे क्या बात करते हो, हमसे ज्यादा जल्दी है? हाँ, क्योंकि आज मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हुई है और दो बाकी हैं। जिस दिन मैं अपनी इन दो जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, उसी दिन मैं तेरे गंदे शरीर से तेरी पापी आत्मा को मुक्त कर दूंगा। ए, अरे कौन हो तुम, क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे अरे, अरे हमरा